एक नॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जहां पर मनीष और सिसोदिया पहुंचे हैं माथा टेकने के लिए। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अब हनुमान मंदिर मनीष और सिसोदिया पहुंच चुके हैं। जी जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर संजय सिंह आए थे और उनके तुरंत बाद ही मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ में उनके बच्चे और उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी ताजा तस्वीरों की बात करें तो वो अभी के तुरंत ही जो है मंदिर के मुख्य कपाट की ओर गए हैं और उनके साथ साथ पीछे जो है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा घेराबंदी करते हुए वो उन्हें ले गई है ताकि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो पाए, ऐसी पूरी जो है सुविधा यहाँ पर दी गई है और दिल्ली पुलिस की गेटिंग यहां पर चारों ओर कर दी गई है और जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं वो भी यहां पर पूरी मुस्तैदी से तैनात कर दी गई हैं। और अभी जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ, साथ में उनके साथ सांसद संजय सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं और अभी तुरंत वो मंदिर के बाद बाहर आएंगे और कुछ लोगों से भी उन्होंने यहाँ पर मुलाकात भी की। हाँ, हाथ के इशारे से जो है उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। जा रही है कि जब वो मंदिर से बाहर आएंगे तब तो वो अगर मीडिया से बातचीत करते हैं तो कुछ शब्द जरूर कहेंगे, अन्यथा वो यहाँ से सीधा जाएंगे राजघाट जहाँ एक उनका कार्यक्रम था जो कि महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि वहां पर देंगे, नमन करेंगे उनको। उसके बाद 12 बजे के तकरीबन जो है वो पार्टी मुख्यालय पहुंचकर वहां पर जो है एक स्टेज सजाया गया है उनके लिए, उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां यहां पर की गई है जिसको मद्देनजर सारे इंतजाम भी है पुख्ता किए गए हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स उनके स्वागत में लगाए गए हैं, सत्यमेव जयते जैसे पोस्टर्स वहां पर लगाए गए हैं देखने को मिल रहे हैं पार्टी मुख्यालय में चारों ओर। और 12 बजे जो है पार्टी मुख्यालय पहुंचकर वो जनता को संबोधित करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने तमाम जिनके साथी हैं उनके पुराने, 17 महीनों बाद जो है वो जेल से बाहर निकले हैं जिसके बाद एक खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही है और पूरी जो है जीत के साथ उम्मीद के बिल्कुल, साथ बिल्कुल एक बड़ी उम्मीद के साथ पहुंचे हैं और काफी ज्यादा खुशी भी देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी में। विशाल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।